जय श्री राधे, वेलकम टू रेंगेस्ट्रो कनक रेंगेस्ट्रो। पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, बिल्कुल भी हाथ पे नहीं टिकते हैं। तो आप इस क्षेत्र को देखो, इस क्षेत्र में अगर इन दोनों के मध्य में, दोनों पर्वत क्षेत्र के मध्य में एक गड्ढेदार स्थिति हो, एक नाले जैसी स्थिति अगर आपको दिखाई दे रही हो, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची होगी, बहुत ज़्यादा धन व्यय होगा। कितना भी कमा लेंगे लेकिन फिर भी हाथ पे और बैंक में आपको बहुत ही कम दिखाई देगा। ऐसी स्थिति बहुत तेज़ी से आपके धन को आपके पास से दूर करने का काम करती है। वहीं बहुत सारे अच्छे अच्छे मौके मिलते हैं लेकिन उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं, कुछ ना कुछ परेशानी हो जाती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो जाती है, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, कहीं निवेश करते हैं उसमें भी फायदा नहीं मिलता है। उस स्थिति में इस क्षेत्र में गड्ढे की स्थिति कैसी है उसे देखा जाना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ कई बार जीवन पर भारी पड़नी शुरू हो जाती है। विभिन्न प्रकार के कुछ व्यापार संबंधित कार्य करते हैं या किसी नौकरी में करते हैं, वहाँ पर कई समस्याएँ शुरू हो जाती है, कार्य क्षेत्र में मुश्किलें आनी शुरू हो जाती है, किसी से बनती नहीं, कुछ ना कुछ आपके लिए मुश्किलें वहाँ पर हमेशा बनी ही रहती है। ऐसी कोई भी स्थिति हो तो इसके मध्य में देखो कि यहाँ पर क्या दबाव, एक गड्ढे जैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये तीनों यहाँ पर गड्ढे की स्थिति आपके जीवन को अलग अलग तरीके से प्रभावित करने का काम करती है। प्रथम होगी धन से संबंधित समस्याओं को दिखाएगी, ये होगी बीच में, ये आपके कर्तव्य क्षेत्र से आजीविका से संबंधित क्षेत्रों में समस्याओं को दर्शाएगी, और जो ये तीसरी है, ये जीवन में मौके जो मिलते हैं उन्हें सही तरीके से ले नहीं पाने, समझ नहीं पाने या एग्जीक्यूट नहीं कर पाने की स्थिति को स्पष्ट तौर पे दर्शाने का काम करती है। अब इसका प्रभाव व्यापक तौर पे किस तरीके से आपके जीवन में आता है उसके लिए आपको अपनी पूर्ण हस्तरेखा का अवलोकन करवाना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन हथेली के द्वारा अगर आप जानना चाहें कि ऐसी स्थिति किस कारण से बनती है, तो उस संबंध में संक्षेप में हम बता दें कि उसके लिए आपको कुछ खास चीज़ों को देखना पड़ेगा। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, एक चीज़ गौर करना कि दाहिनी हथेली में बाईं तरफ जाती रेखाओं की स्थिति है क्या, अगर है तो ये आपके प्रारब्ध में है। यहाँ पर इस बीच के क्षेत्र में एक से ज़्यादा रेखा नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है क्या, अगर ऐसी आ रही है तो निश्चित तौर पर स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ समस्याएँ आ रही हैं, आध्यात्मिक तौर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपके जीवन में है राधे। जैसे कि कुल देवता देवी से संबंधित कुछ काम या देवी देवताओं का किसी प्रकार से अवहेलना या अपमान की स्थिति आपके जीवन में आई है या आपके द्वारा की गई है, तो उन सब का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। चाहे घर के जो आपके बड़े बूढ़े हैं उनका सही तरीके से इज्जत सम्मान नहीं हो रहा है, तो उसका भी प्रभाव यहाँ पर देखने को स्पष्ट तौर पर मिलता है। दूसरे, अगर इस क्षेत्र में शनि के इस क्षेत्र में अगर देखेंगे तो यहाँ पर शनि बहुत ज़्यादा गड्ढेदार स्थिति में है, तो ये एक मुश्किलों को दर्शाती है कि यहाँ पर आपके आर्थिक तौर पर एक मुश्किल आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। इससे बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए, निश्चित तौर पे जीवन में कभी भी झूठ ना बोले, किसी भी गरीब या कमजोर व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से अत्याचार ना करें, और जहाँ तक हो सके अपने आप का सही तरीके से पोषण करें। ठीक है, जैसे कि मान लो सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं, नहीं, समय से ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, सुबह सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात हरी घास पे खाली पैर चला करो, और जहाँ तक हो सकता है वहाँ पर उपकार से संबंधित कुछ काम और साफ सफाई अपने आसपास अपने शरीर का, इन सब के रखने की कोशिश करें। ये जितना ज़्यादा तन शुद्ध रहेगा, मन शुद्ध रहेगा, उतना ज़्यादा किस्मत भी आपके यहाँ पर शुद्ध तरीके से आपका सहयोग करने का काम करेगी। वहीं पर अगर इस क्षेत्र में गड्ढेदार स्थिति बनी हुई है तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर सूर्य से संबंधित कुछ उपाय करने की ही आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही स्वर्ण का कुछ यानी सोने का कुछ ना कुछ अगर आप धारण करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। हालांकि इस मामले में अगर बुध के क्षेत्र से खड़ी रेखाओं स्थिति आधी दूरी से ज़्यादा यानी कि इस नो मैन्स लैंड के एरिया से पास अगर कट जाए तो ऐसी स्थिति में इसके दोष को काफ़ी कम कर देती है, इन सब के दोष को भी कई बार कम कर देती है, क्योंकि ये आपके जो विपरीत लिंगी साथी हैं उनके प्रवेश को दर्शाने का काम करती है। और अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है और यहाँ पर रेखाएँ बलवती हैं तो फिर इन सब का प्रभाव काफ़ी हद तक उसे कम कर देने की स्थिति को बनाने का काम करेगी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो रेंगेस्ट्रो।